जितने भी हैं वो बाल्टी है। मेरी अपील तो आप सब लोगों से है कि आप इस बाल्टी को वोट से भरने में मदद करें। बाल्टी का ऐसा चिन्ह है जो बहुत काम आती है, सफाई से लेकर के दूध तक की काम आती है, बाल्टी हर चीज़ में काम आती है। तो वैसे मैं आपकी सेवा में, चाहे सफाई करनी हो, चाहे आपको दूध पिलाना हो और चाहे आपको दूसरे नहलाना हो, मैं हमेशा साथ तत्पर रहूँगा। चूँकि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ सेवा के लिए, मैं संकल्प सेवा उसी को लेकर के मैं मैदान में आया। और साथ ही मेरे दो संकल्प मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक संकल्प तो ये है कि तीर्थराज पुष्कर की सफाई सरोवर की, उसमें गंदा पानी प्रवेश नहीं करें, जिसकी व्यवस्था यदि मैं 5 साल के मैंने कार्यकाल में नहीं करवाया तो आइंदा कभी पुष्कर में किसी भी हिस्सा से वोट मांगने नहीं आऊंगा। क्योंकि पुष्कर ने मुझे पहले भी MLA बनाया और पुष्कर मुझे फिर MLA बनाता है, तो निश्चित रूप से ये उपकार है, ये उपकार मैं यदि मेरे खून का अंतिम कतरा काम में लेकर चुका हूँ तो कम। क्योंकि पुष्कर राज जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे विश्व का हिंदू तीर्थयात्री आता है और सबकी आस्था का केंद्र है। इसी को लेकर के मेरे मन में अलग थी कम पुष्कर की सेवा के लिए एक मौका मिल जाए। चूँकि राजनीति में जनपति बन के सेवा करना एक ऐसा लक्ष्य, ऐसा साधन है कि जिससे हम प्रभाव काम में लेकर के प्रशासन, सरकार और जनता के बीच में एक खड़ी बन सकते हैं और जनता को लाभ दिला सकते हैं, प्रशासन का भी और सरकार का भी। उसी लक्ष्य को लेकर मैं अपना मेरा एक संकल्प यही था। दूसरा संकल्प मेरा ये है कि जयपुर में सरकार किसी की बने, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निर्दलीय रहना है, कैसे करना है, ये सब बातें आप सब पत्रकार साथी, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र का मतदाता तक रहेगा कि राष्ट्रीय भाई को क्या करना। मेरा एजेंडा जो है वो जनता का एजेंडा है, वो जनता मेरे एजेंडे में सर्वोपरि है। जनता की सेवा, उनका विश्वास मेरा आधार है। जो आज मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मेरा कोई वर्ग विशेष का वोट नहीं है, मेरा वोट सर्व वर्गों का, सबके वोट मेरा वोट है। मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ, सबका विश्वास में लेकर चलता हूँ और सबकी बात सुन के और सबकी बात मान के और मैं अपना निर्णय करता हूँ ताकि हम सबकी सेवा कर सकें और हमारी सेवा में ये भेदभाव कभी ना रहे, जाति, धर्म, भाषा या वर्ग के क्षेत्र का। जो चुनाव आज जो होने जाते हैं, जो होते हैं चुनाव, उनमें धनबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो भी पार्टियाँ चुनाव लड़ती है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, उसमें खर्चा बहुत होता है। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं तो किस तरह से ये सब चुनाव लड़ पाएंगे और कैसे जीतेंगे? आपको ये आपने मुझे चिंता करी इसका बहुत धन्यवाद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी मुझे इसमें सहयोग करेंगे ताकि मेरी चिंता। दूसरा मैं बताऊँ आपसे कि जब जनबल आगे होता है ना, जब जनबल आगे होता है और जब जनता चुनाव हाथ में लेती है तब ये धनबल की बातें मेहमान नहीं लगती। जनता आपको ध्यान है, एक बार वो 1942 में जब वो जयपुर का टांग गए थे आंदोलन में लिए, तो रामदास से दिनकर एक लाइन गई थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो मैं धनता उनके पास, मैं बोलता हूँ उनके पास जनता थी। तो आप देख रहे हैं ये साथ बैठे सब मेरे साथी सारे क्षेत्र के, सब जाति के, सब धर्म के, सब संप्रदाय के, ये सब मिलकर के जब चुनाव उतरेंगे तो आप मान के चलना धन बल कहीं आड़े नहीं आए, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक आपको बड़ा खुशखबरी, ये मेरा मित्र मुकेश मेहरा जी, ये निर्दलीय खड़े थे और जाट समाज से तभी जी के, उन्होंने मेरे पक्ष में वोट किया और इनकी मैं बड़प्पन कहूँगा। मैंने कहा भाई आपका कोई खर्चा हुआ क्या, कैसा खर्चा हुआ तो मैं करने वाला हूँ, आप बताओ आपको खर्चा क्या चाहिए, तो बताओ जब ऐसे आदमी मुझे मिल जाएगा आपको खर्चा क्या चाहिए ये बात कहने वाला, तो फिर धनबल का आपका हुक्म पड़ेगा।